जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। होप करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, सेफ होंगे और सुरक्षित होंगे। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज के इस वीडियो में हम सभी बात करने वाले हैं मोशन के बारे में। मोशन मींस गति के बारे में आज किस वीडियो में बात करेंगे। गति आज की इसी वीडियो में हम सभी समझेंगे कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में अंतर क्या होता है, यानी कि विस्थापन और दूरी में क्या अंतर होता है। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक, तारीख भी स्किप मत करिएगा, नहीं तो वीडियो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं मोशन है क्या। जैसे मोशन हमेशा दो वस्तुओं के रिस्पेक्ट में होती है, मतलब एक के सापेक्ष दूसरे को देखा जाता है या दूसरे के सापेक्ष पहले को देखा जाता है। सिंपल सी बात को समझिएगा, तभी पता चलता है कि कोई चीज मोशन कर रही है या नहीं कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहीं ट्रेन पे बैठे हैं और स्टेशन को देख रहे हैं, तो ट्रेन तो चलेगी, स्टेशन तो चलेगा है नहीं। तो जब ट्रेन चलेगी तब आप स्टेशन को देखकर यह पता लगाते हैं कि ट्रेन चल रही है या नहीं चल रही है। जैसे ट्रेन आगे चली गई, स्टेशन पीछे छूट गया, तो आप जानते हैं कि ट्रेन चल रहा है। या फिर फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं कि दो कार, एक ये है एक ये है, एक कार ए है एक कार बी है, दो कार हैं, ये भी चल रही है साथ साथ उतनी स्पीड से, ये भी चल रही है उसी दिशा में। तो आप अगर इधर से इस कार वाला व्यक्ति इधर को देख रहा है और उस कार वाला व्यक्ति इधर को देख रहा है, तो ये दोनों लोग ये नहीं बता सकते हैं कि ये दोनों कार जो है गति कर रही है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग ट्रेन में बैठे होंगे, कभी कभी क्या होता है कि दोनों ट्रेन साथ में एक ही दिशा में चल रही होती है, तब आप ट्रेन को देख कर ये नहीं बता पाते हैं कि कौन सी ट्रेन चल रही है, वो चल रही है ये, मतलब आपको लगता है कि दोनों ट्रेन खड़ी हुई हैं। जब स्टेशन की तरफ देखते हैं तब पता चलता है कि ये तो चल रही है। या फिर कभी कभी आपने देखा होगा कि दो ट्रेन साथ में आके खड़ी होती हैं, जब क्रॉसिंग वगैरह होती है तो जो मेल मतलब एक्सप्रेस ट्रेन होती है उसको पहले निकाला जाता है, पैसेंजर को रोक के रखा जाता है, पैसेंजर ट्रेन को। तो क्या होता है कि जब एक्सप्रेस ट्रेन चल देती है तो आप जब ट्रेन को देखते हैं तो आप ये नहीं पता लगा पाते हैं कि वो ट्रेन चल रही है कि आप वाली चल रही है। जब वो पूरा क्रॉस हो जाती है तब जान पाते हैं, या फिर स्टेशन की तरफ देखते हैं तब आप जान पाते हैं। या फिर आप, मैं बताऊं कि आप जब पृथ्वी पर, आप पृथ्वी घूम रही साथ साथ आप भी घूम रहे हैं, तो क्या आप पता लगा पा रहे हैं कि पृथ्वी घूम रही है या नहीं। पृथ्वी भी घूम रही है, आप भी घूम रहे हैं, जितनी वेग से पृथ्वी घूम रही है उतनी ही वेग से आप घूम रहे हैं, तो आपको पता चल पाता है कि पृथ्वी घूम रही है या नहीं। नहीं पता चल पाता, सिंपल सी बात। जब आप चंद्रमा को देखते हैं तब आप जान पाते हैं कि पृथ्वी घूम रही है। तो मोशन, सिंपल सी बात आप लोग समझ गए होंगे, मोशन एक दूसरे किसी भी दूसरे वस्तु के रिस्पेक्ट में देखा जाता है कि हाँ ये मतलब हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जब तक कोई दूसरी वस्तु हम नहीं देखेंगे तब तक हमें क्लियर नहीं हो पाएगा कि मोशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं कि मोशन क्यों किया जाता है, मोशन क्यों आखिर क्यों करें भाई, मोशन सिंपल सी बात है क्यों किया जाता है। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि दूरी तय करने के लिए। क्या दूरी तय करने के लिए हम मोशन करते हैं, क्या करने के लिए, दूरी यानी कि डिस्टेंस, DISTANCE, डिस्टेंस को कवर करने के लिए हम दूरी तय गति करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहां से अगर यहां गया तो एक निश्चित डिस्टेंस तय की मैंने ना, सिंपल सी बात, यहां से यहां गया तो भी मैंने एक दूरी तय की। तो दूरी को तय करने के लिए हम मोशन करते हैं यानी कि गति करते हैं, सिंपल सी बात को समझिएगा। अब आगे गति दूरी क्या होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहां से चला यहां गया, फिर यहां से चल के यहां गया और यहां से चल के फिर यहां गया, सिंपल सी बात को समझिएगा। ये आपकी दूरी है 5 किलोमीटर, मान लेते हैं 5 किलोमीटर, ये आपकी 7 किलोमीटर है और ये आपकी है 3 किलोमीटर। तो टोटल आपने कितनी दूरी तय की, 5, 7, 5, 12, 3, 15 किलोमीटर आपने दूरी तय की। टोटल कितना, 15 किलोमीटर दूरी तय की, सिंपल सी मेरी बात को समझते चलिएगा। 7, 5, 12, 3, 15 किलोमीटर आपने टोटल डिस्टेंस तय की। कभी कभी होता नहीं कि आप जहां जाना चाहते हैं वो नजदीक में है लेकिन उसका रास्ता घूम के आता है पूरा, है ना, होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि आपका घर यहां पर है, यहां पर आपका हाउस है और यहां पर है आपका स्कूल। आपका रास्ता जानते हैं कैसे है, रास्ता आपका बहुत उल्टा सीधा बनाएगा, ऐसे जाके ऐसे जाएगा, पहले घर से स्कूल से दूर जाओ, फिर वहां से चल के इधर आओ, फिर यहां चल के इधर जाओ, फिर यहां चल के इधर आओ, फिर यहां चल के स्कूल पहुंचो, मतलब इतना उल्टा सीधा रास्ता, इतना उल्टा सीधा। तो यहां से आपको भाई क्या करेंगे, चलना तो है ही ना, चलना तो है ही, ये डिस्टेंस आपको कवर तो करना है, सिंपल सी बात। अब ये होता है डिस्टेंस। अब हम समझते हैं कि क्या होता है डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन।
विस्थापन आखिर क्या होता है, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कहता है कि मतलब हमें सीधे चलना है, रास्ते में चाहे घर द्वार तालाब वालाब कुछ भी है, इसको तूर तार के हमें चलना है, बस सीधे चलना है, हमें शॉर्टकट लेना है। डिस्प्लेसमेंट कहता है कि हमें शॉर्टकट लेना है, हमारे आगे क्या है क्या नहीं है इट डजंट मैटर, हमें बिल्कुल सीधे चलना है, शॉर्टकट लेना है बस। डिस्प्लेसमेंट कहता है कि हम सीधे चलेंगे, अगर हमारे रास्ते में घर वर भी आएगा तो उसमें बुलडोजर उलडोजर चढ़ा देंगे, लेकिन चलेंगे सीधे, शॉर्टकट लेंगे बस, सिंपल सी बात। तो यहां से डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मान लीजिए यही, अब यही देखते हैं, ये मान लीजिए आपका 2 किलोमीटर, कितना 2 किलोमीटर, ये टोटल यहां से यहां तक 10 किलोमीटर है, ये टोटल आपका 5, ये आपका 4, तो 2, 10, 2, 12, 12, 5, 17, 17, 4, 21 हुआ ना टोटल 21 किलोमीटर। और हम अभी मान लेते हैं, एक्यूट वैल्यू यहाँ पे नहीं कर पाए, मान लेते हैं कि यहां से लेकर यहां तक की दूरी 7 किलोमीटर, कितनी 7 किलोमीटर है, तो आपका ये डिस्टेंस तो हो जाएगा 21 किलोमीटर, लेकिन यहाँ पर अगर डिस्प्लेसमेंट देखा जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट आपका टोटल 7 किलोमीटर होगा, क्योंकि आप अपने नियत पोजीशन से इतने ही दूरी शॉर्टकट लेके पहुंच जाएंगे। डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टकट, या फिर समझते हैं कि डिस्प्लेसमेंट मीन्स होता है कि आप अपनी जो जहां पर थे वहां से अब कितनी दूर पर हैं, सिंपल सी बात, कि जहां पर आप थे वहां से आप अब कितनी दूरी पर हैं, ये होता है डिस्प्लेसमेंट, और कितनी दूरी तय करके आप वहां पहुंचे हैं ये होता है डिस्टेंस। बात को समझिएगा, यही बात समझने वाली है, इसे पेपर ऊपर में आपकी पूछेगा तो ऐसे बनाएगा, देखिए ऐसे बनाएगा, ऐसे यहां से पूछेगा कि ये आपका 4 दे देगा कि ये 4 किलोमीटर है और ये आपका 3 किलोमीटर है, ये ए ये बी ये सी, कि कोई व्यक्ति है जो ए बिंदु से चलकर 4 किलोमीटर दूरी तय करके बी पर पहुंचा, फिर बी से 3 किलोमीटर दूरी तय करके सी पर पहुंचा, तो अब आपसे पूछेगा कि इसने कितनी दूरी तथा कितना डिस्प्लेसमेंट यानी कि कितना विस्थापन तय किया, तो यहां से लेकर यहां तक आप बताएंगे कि कितना डिस्प्लेसमेंट तय हुआ, तो आप अगर दूरी देखेंगे तो 4 और 3 ये 7 किलोमीटर दूरी इसने तय की है ना, लेकिन डिस्प्लेसमेंट अगर देखेंगे तो ये अपने नियत पोजीशन से इतनी ही दूरी तय है, शॉर्टकट यही तो जाएगा भाई, शॉर्टकट कैसे जाएगा, इसे तिर से चला जाएगा, इससे क्या मतलब है कितना घूम के जाए, तिर से चला जाएगा, तो ये पाइथागोरस प्रमेय से आप निकालेंगे 5 किलोमीटर एग्जैक्टली आएगा। तो यहां से आप लोगों को एक बात क्लियर बिल्कुल पता चल रही होगी कि जो आपकी जो आपका विस्थापन दूरी होती है, जो आपकी दूरी होती है वह बड़ी होती है, किससे, विस्थापन से, दूरी जो होती है वह बड़ी होती है विस्थापन से, लेकिन एक कंडीशन आपकी ऐसी है कि मान लीजिए कोई बिंदु ए है कोई बिंदु बी है, यहां से ए यहां से बी, यहां से कोई व्यक्ति चला यहां से बी तक पहुंचा, मान लीजिए 5 किलोमीटर है, कितना 5 किलोमीटर है, तो ये कोई व्यक्ति चला ए से बी तक गया तो उसने कितना दूरी तय किया 5 किलोमीटर, और उसने कितना डिस्प्लेसमेंट यानी कि कितना उसने विस्थापन तय किया, तो भाई यहां से यहां तक कौन सा शॉर्टकट है, कोई दूसरा शॉर्टकट नहीं है ना, तो यहां से यहां तक जो दूरी है वही डिस्प्लेसमेंट है, मतलब जब केवल 2 निश्चित बिंदु दिए होंगे उस कंडीशन में जितनी डिस्टेंस होगी उतनी ही डिस्प्लेसमेंट होगी। बात को समझिएगा, यहां से यहां तक जितने उसने दूरी तय की है उतना ही उसने विस्थापन तय किया है, तो एक दूरी जो होती है वह बड़ी होती है विस्थापन से, लेकिन कब्बो कब्बो बराबर होती है, इस चिन्ह का मतलब होता है कब्बो कब्बो, इस चिन्ह का मतलब कब्बो कब्बो, इसका मतलब जानते हैं क्या हुआ, सिंपल, कि जो दूरी होती है वह ज्यादा होती है विस्थापन से, वह ज्यादा होती है विस्थापन से, कब्बो कब्बो बराबर होती है विस्थापन से, कब्बो कब्बो मतलब रियर केस में, मतलब आप सर्टेन केस में तो दूरी बड़ी होती है विस्थापन से, लेकिन रेयर केस में दूरी विस्थापन के बराबर हो जाती है, मतलब दूरी कभी कम नहीं होगी विस्थापन से, बात समझ पाए नहीं समझ पाए, दूरी कभी विस्थापन से कम नहीं होगी, क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं कि विस्थापन हमारा क्या क्या हो सकता है, तो विस्थापन हमारा समझिएगा, विस्थापन हमारा 0 हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल कोई अगर मैं मान लीजिए कि वहां तक मार्केट गया, प्याज व्याज खरीदा, प्याज व्याज खरीद के मैं अपने घर वापस आ गया, तो हमारी मार्केट की दूरी मान लीजिए 5 किलोमीटर है, मान लीजिए हमारा घर था, हमारा हाउस था, ये हमारा मार्केट था है ना, मार्केट थी, तो यहाँ पर गए सब्जी वब्जी खरीदे, यहाँ से यहाँ तक गए सब्जी वब्जी खरीदे, फिर अपना सब्जी वब्जी लेके वापस चले आए, तो 5 किलोमीटर दूरी थी, कितनी 5 किलोमीटर, तो इस व्यक्ति ने दूरी कितनी तय की, 5 गए 5 आए, मतलब 10 किलोमीटर की दूरी तय की, लेकिन अब जहां थे वहीं तो आ गए, तो अब जहां थे वहीं आ गए जब, तो शॉर्टकट बताइए,
शॉर्टकट बताइए, तो इसका मतलब इसने डिस्प्लेसमेंट जो तय किया वो जीरो तय किया है ना, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो हो सकता है। किन किन कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट जीरो? तीन कंडीशन में होता है, तीन कंडीशन में। पहला, जब रिटर्न हो जाए कोई, RETURN, जब कोई जहां चला वहीं रिटर्न हो जाए। दूसरा, कि वृत्तीय सर्कुलर मोशन करे, CIRCULAR, सर्कुलर MOTION, सर्कुलर मोशन में पूर्ण चक्कर, पूर्ण चक्कर। और एक, जब विरामावस्था में हो, जब विराम हो मतलब चलवे न करे, जैसे यहाँ हाथ यहीं खड़ा रह जाए तो बहुत विस्थापन शून्य होगा। अब सर्कुलर वाला जैसे समझिएगा, मान लीजिए कोई एक ऐसे रेस हो रही है, ये पूरा इसका सर्कमफेरेंस एक किलोमीटर मान लीजिए, कितना, एक किलोमीटर मान लीजिए। तो यहाँ से कोई व्यक्ति चला, ये एक किलोमीटर दूरी तय करके जब यहाँ पहुंचेगा तो उसने तो दूरी एक किलोमीटर तय की है, लेकिन बिंदु ए पर ही तो वापस आ गया। इसका मतलब विस्थापन उसका क्या हो गया? शून्य हो गया। विस्थापन क्या हो गया? शून्य हो गया। तो विस्थापन माइनस हो जाता है कभी कभी, जैसे जब जिस दिशा में दूरी होगी उसके उल्टा दिशा में अगर चलेंगे तो विस्थापन माइनस में होगा। जैसे सपोज कीजिए कि दूरी हमारी तय हुई, यहां से कोई यहां गया, फिर यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां चला गया। तो अब इसका शॉर्टकट जानते हैं क्या होगा, शॉर्टकट यहां से उल्टा यहां चले आएंगे ना। तो इस देखिए, दूरी तो तय की गई इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, लेकिन विस्थापन तय किया गया दूरी के उल्टा। तो जब दूरी के उल्टा विस्थापन तय किया जाएगा तब विस्थापन आपका माइनस चिन्ह के साथ आएगा, मतलब विस्थापन पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो तीनों हो सकता है, लेकिन दूरी हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। बात समझ पाए? अब विस्थापन जब तिरपट्टे से सीधे मतलब शॉर्टकट लेना है तो उसकी एक दिशा भी फिक्स होगी। विस्थापन की इस शॉर्टकट आप सीधे चले जा रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं कि आप कहाँ जाएंगे, तालाब पड़ेगा, क्या पड़ेगा, क्या नहीं, सीधे जा रहे हैं तो एक निश्चित दिशा में जा रहे हैं। तो इसका मतलब विस्थापन जो है वह सदिश राशि है और दूरी जो है वह अदिश राशि है ना, ये क्लियर ना। जब विस्थापन एक दिशा में जा रहे हैं तो विस्थापन सदिश राशि, दूरी अदिश राशि है। एक लोग थे वो थोड़ा शराब पिए थे और वो जो नौटंकी वोटंकी नहीं होती गांव में, पूरा स्टेज का एक चक्कर लगा लिए, तो बोलते हैं कि पृथ्वी का चक्कर लगा है, बोलो मतलब पूरा ऐसे ऐसे आदमी पड़े हैं, बोले पूरा पृथ्वी घुमा है, पृथ्वी गोल है बता रहे थे। मतलब ये सिंपल सा मजाक था थोड़ा सा, मतलब जब आप सीधे चले जाएंगे, सीधे चलते जाएंगे, चलते जाएंगे तो आप वापस नहीं आ पाएंगे, पक्का है मतलब। लेकिन अगर वो शायद कौन था, कोलंबस था कि कोई था, मैकेवेल, किसी ने, कोई था जिसने पूरी पृथ्वी की चक्कर लगाई थी, चक्कर लगाया था मतलब एक अपने जहां जहां चला वहीं पहुंच गया, इसका मतलब पृथ्वी गोल है, उसने सिद्ध किया था, कोई था वो मुझे नहीं पता है। तो मतलब जब पूरा चक्कर लगा लिया जाएगा तो ये विस्थापन आपका शून्य हो जाएगा, विस्थापन आपका अदिश राशि है। तो होप करता हूं आप सभी ये सारी चीजें समझ गए होंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।